हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल एंड स्टाइलिश टिप्स। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एवरीथ नेचुरल का नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड पील ऑफ फेस मास्क, जो आपके फेशियल हेयर को परमानेंटली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एवरीथ नेचुरल का नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ फेस मास्क। तो ये हमारे स्किन के सारे फेशियल हेयर को रिमूव करेगा एंड ऑल्सो हमारे स्किन के टैन को रिमूव करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, हमारे फेस में ऑरेंज ग्लो प्रोवाइड करेगा। इसका प्राइस है अंडर 40 रुपीज़ में, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल होता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी गाइस। एंड सेकंड मैंने यहाँ पर लिया है चिक्सा पाउडर जो है हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एक ब्राइडल फेस क्रिएट करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है एंड ये हमारे स्किन में एक गोल्ड ग्लो प्रोवाइड करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने लिया है यहाँ पर हल्दी पाउडर, जो हम फूड में यूज़ करते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने वो हल्दी लिया हुआ है। तो हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम है पिंपल रिंकल्स और सारे एक्नी पोर्स को फाइट करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कप लिया है, इसके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एवरीवुड का नेचुरल ग्रो पील ऑफ फेस मास्क। तो इसमें मैं 2 स्पून्स ऐड करूँगी। ये हमारे सारे फेशियल हेयर को इजीली रिमूव करेगा गाइस और आपको थोड़ा सा भी पेन भी नहीं देगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तो 1/2 स्पून ऑफ सिक्सा पाउडर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि एक लाइट गोल्ड ग्लो हमारे फेस में आए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 स्पून ऑफ सिक्सा पाउडर ऐड किया है एंड नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी थर्ड इंग्रेडिएंट जो होगा हल्दी। तो हमें थोड़ी सी जस्ट पिंच ऑफ हल्दी इसमें ऐड करनी है, टर्मेरिक पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक स्मॉल स्पून से एक पिंच ऑफ हल्दी इसमें ऐड करूँगी। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब हम इस फेस मास्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फेस मास्क बन के रेडी हो चुका है, इसे हम अच्छे से अब अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड में छोटे छोटे हेयर है, आप देख सकते हैं इस हेयर को ये इजीली रिमूव करेगा और हमारे हैंड को ग्लो करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड इसे 20-25 मिनट्स हमें आप सूखने देना है ताकि इसका पील ऑफ फेस मास्क अच्छे से आ जाए। ये हमारे हैंड में अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका पील ऑफ मैं काट रही हूँ, थोड़ा सा भी पेन नहीं लगेगा गाइस, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसे मैं पूरा काट के आपको दिखाती हूँ। ये हमारे सारे फेशियल हेयर को रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं मेरे हैंड में कितना ग्लो ये प्रोवाइड कर चुका है। आप देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, सारे फेशियल हेयर को इसने रिमूव कर दिया है ईजीली। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एवरीथ नेचुरल का इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आई होप इफ यू लाइक इट, आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डू कमेंट्स फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।